आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि अंडर 200 रुपीज़ में है। मैंने इस वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं ऐड किए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वही सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर लास्ट में मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। आपका रमज़ान भी बहुत ही अंदर गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उनके लिए जिनकी ईद के बाद शादी या फिर एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो रखी है। और किसी की भी अगर एंगेजमेंट या शादी है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं और मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अंडर 200 रुपीज़ में होंगे। प्लस सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि सारे प्रोडक्ट्स मैंने नाइका से लिए हैं और सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। आप एक ही ऐप से एक ही जगह से उसको ऑर्डर कर सकते हो। एक दो प्रोडक्ट्स जो इधर उधर होंगे वो मैं आपका भी नाम आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकोगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो है फेस वॉश। ये प्रोडक्ट आपका नेचर एसेंस का है। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज़ है, 50 ग्राम है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फेस वॉश है ये बायोटिक ब्रांड का है। इसकी प्राइस भी 52 रुपीज़ है, 50 ml है। ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए। नेक्स्ट है एवरयूथ ब्रांड का पिल ऑफ मास्क है, गोल्डन ग्लो पिल ऑफ मास्क, जो कि 24 कैरेट गोल्ड है, 25 ग्राम, 52 रुपीज़ में सिर्फ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ग्राम्स की तीन वराइटीज़ है, लाइक 50 ग्राम एंड 100 ग्राम, बट यहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं इस वजह से हमने 25 ग्राम का ही चूज किया है। तो गाइज इसके यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे फेस पे जो भी अनवांटेड हेयर होते हैं, डेड स्किन्स की जो सेल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इसको ये रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है, ड्राई होने के बाद इसको पील कर लेना है और आपकी स्किन बिल्कुल नीट क्लीन और फ्रेश दिखेगी। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी सोप, डीपली पेनेट्रेट इन टू द स्किन टू हाइड्रेट इट फुली, जो की हिमालय का है, आलमंड एंड रोज सोप है। ये ऑल स्किन टाइप्स के पे एप्लीकेबल है, बॉडी एंड फेस पे। आप इसको रेगुलरली ट्वाइस अ डे अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स का मिलेगा। एंड इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 32 रुपीज है। नेक्स्ट हमारा आता है फेस टोनर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट नेचुरल फेस जो टोनर है वो है आपका रोज वॉट। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज है। ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट एंड नॉन ऑयली फॉर्मूला है, स्पेशली फॉर द ड्राई स्किन। ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ड्राई स्किन वालों की स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है, 24 आवर तक मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। प्लस ये आपके बॉडी एंड हैंड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एंड इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ है। स्किन ऑप्शन में फेस मॉइस्चराइजर का आपका है हिमालय का फेस मॉइस्चराइजर, जो कि आपके स्किन की सेल को रीजनरेट करता है। प्लस ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये यूनिसेक्स है, इसको फीमेल और मेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस 77 रुपीज़। मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 49 रुपीज का, ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर है। ये भी आपका स्पेशली फॉर द ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करेंगे। मॉइस्चर को लॉक करके अच्छे तरीके से रखता है, बहुत ही ज्यादा लाइक एक बोल सकते हो आप कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम तक स्टे करता है। इसको भी आप फीमेल और मेल दोनों ही यूज कर सकते। नेक्स्ट वन हमारा आता है बॉडी लोशन, हिमालय ब्रांड का लिया है। दो वेराइटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एक कोको बटर में मिल जाएगी और एक आपका एलोवेरा में मिल जाएगी। इसकी प्राइस से पॉजिटिव 77 रुपीज है और 100 ml में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है लिप केयर, यानी कि लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन जेल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज में आपको ये लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। तो लेडीज यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर लिया है जो कि 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है 3-in-1 है, यानी कि प्राइम प्रोटेक्ट प्लस मॉइस्चराइज। मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ दिस इनसाइड कॉस्मेटिक प्राइमर इज मेक्स मेकअप लॉन्ग लास्टिंग प्लस वाटर प्रूफ फॉर्मूला है और एक स्मूथ फ्लॉलेस बेस देता है आपको, नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी एंड प्लस लाइट वेटेड फॉर्मूला है। दूसरा हमारा आता है पोर मिनिमाइजर प्राइमर, जो कि आपके स्किन के पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। इससे आपकी स्किन स्मूथ दिखती है पहले से भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा सिल्की हो जाती है। प्लस ये एक अच्छा सा परफेक्ट बेस देता है आपके फ्लॉलेस स्किन को और स्मूथ बना देता है, जिससे आपका मेकअप एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये स्पेशली फॉर द ऑयली स्किन के लिए है, ये ऑयल को कंट्रोल करके रखता है
एंड आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाकर रखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो प्राइमर इज अ हाइड्रेटिंग प्राइमर, ये फॉर द ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बेस्ट होने वाली है, बिकॉज स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से हमारा जो मेकअप होता है वो केकी होता है, पैचे दिखता है, मेकअप परफेक्ट नहीं सेट होता। तो इस प्राइमर को अप्लाई करने के बाद आपके स्किन में एक हाइड्रेशन बूस्ट हो जाता है, बिकॉज इसका लाइट वेटेड फॉर्मूले से ये तैयार किया गया है, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइम करता है और हाइड्रेट करता है, जिससे हमारा मेकअप परफेक्टली सेट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो लेडीज, फेस पे प्राइमर अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है कलर करेक्टर की, यानी कि दाग धब्बों को छिपाने की बारी आती है। जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं और पिंपल ख़त्म भी हो जाते हैं बट उनके निशान रह जाते हैं, अंडर आई के नीचे आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो इन सबको छिपाने के लिए हम यूज़ करते हैं कलर करेक्टर का। तो मैंने यहाँ पे इनसाइड का कलर करेक्टर लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, एक फ्लॉलेस लुक आपको देता है और ये सारे के सारे ब्लैमिशेस, डार्क स्पॉट्स एंड इम्परफेक्शन को ये कवर कर लेता है और एक नेचुरल लुक देता है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे दाग धब्बों को छुपाने के बाद अब मेकअप का जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हमारा फाउंडेशन। तो जब आपका फाउंडेशन ही बेस्ट नहीं होगा तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का अल्ट्रा थीन सेकेंड स्किन का फाउंडेशन लिया है, जो कि लॉन्ग वियर फॉर्मूला है, बट ये मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, मैट फिनिश और ऑयल को कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड फॉर्मूला है। आप अपनी स्किन से मैच करके कोई सा भी यहाँ पे शेड चूज करके आप फाउंडेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से ये मेंशन किया हुआ है और दिखाया गया है, ये आपको अंडर 200 रुपीज में आसानी से नायका से मिल जाएगा। नेक्स्ट फाउंडेशन जो है LA18 का फाउंडेशन लिया है, ये 4 शेड्स में अवेलेबल है, ये स्पेशली इंडियन स्किन टोन्स के लिए बनाया गया है और ये आपको एक अवार्ड इवन कवरेज देता है, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज का ये नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी ब्लेंडेड फार्मूला है, ऑयल फ्री है और एक ग्लोइंग लुक देता है। ये आपको 110 रुपीज़ में अवेलेबल है। सो लेडीज़, फाउंडेशन के बाद अब बारी आती है हमारे कंसील करने की, यानी कि कंसीलर। तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में स्विस ब्यूटी का कंसीलर अवेलेबल है, जो कि 190 रुपीज़ में आपको मिल जाता है आसानी से। बहुत ही फुल कवरेज वाला है, डार्क स्पॉट्स को, रेडनेस को, ब्लैमिशेस को, ब्रेकआउट्स को ये एक ही बार में हाइड कर देता है। इसके बाद आता है हमारा अब मेकअप को सेट करने की बारी, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कॉम्पैक्ट या फिर ट्रांसलूसेंट यानी कि सेटिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, 2 शेड में अवेलेबल है, ये आपके पोर्स को ब्लर करता है और कंट्रोल करता है, ऑयल को मेकअप को लॉन्ग वियर बनाता है, ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट फार्मूला है जो कि बिल्कुल इनविजिबल फ्लॉलेस फिनिश देता है आपको। और एंड दिस वाइट वन इज फॉर द ऑल स्किन टोन बिकॉज दिस इज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके बाद अगर हम अफोर्डेबल प्राइस में एक बेस्ट लूज पाउडर की बात करें तो वो आता है आपका इनसाइड ब्रांड का लूज पाउडर, बनाना पाउडर जिसे हम कहते हैं। और बनाना पाउडर का आप रिजल्ट आपको पता ही होगा अगर आपने कभी यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका, बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है, मैट फिनिश रहता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है गाइज आई शेडो पैलेट। तो आई शेडो पैलेट बेस्ट प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी के साथ चाहिए तो स्विस ब्यूटी से बेस्ट आई शेडो पैलेट आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट मंगवाए थे, नायका पे पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था तो वहाँ पे मुझे ये 118 रुपीज़ में पड़ गया था, बट एक्चुअल में ये आपको 237 या 329 इसकी एक्चुअल प्राइजेज हैं और ये 8 शेड्स में अवेलेबल हैं, यहाँ से जो भी शेड्स आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद गाइज अगर हमें दूसरे ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का मैंने आई शेडो पैलेट लिया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये आपको 200 रुपीज़ में नायका से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने शेड थोड़ा सा बोलते हैं ना थोड़ा बोल्ड कलर मैंने चूज़ किया था बिकॉज आई हैव अ लॉट्स ऑफ न्यूड्स शेड ऑफ आई शेडो पैलेट, बट यहाँ पर थोड़ा जो मैंने इनसाइड का चूज़ किया मैंने बोल्ड कलर का शेडो पैलेट चूज़ किया। ये चेक करें आप, देखें ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत सारे कलर्स वहाँ पे शेड्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए।
उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने आईलाइनर लिया है, ये ग्रीन कलर का आईलाइनर है ब्लू हेवन ब्रांड का, ये सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। बट हाँ, ये वाटरप्रूफ नहीं है, आपको इसमें ब्लैक और ब्लू कलर भी अवेलेबल मिल जाएगा। नायका से ही इसको मैंने परचेस किया था एंड ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, मीन्स अच्छा कलर आपको प्रोवाइड करता है, बट या दिस इज़ नॉट अ वाटरप्रूफ एंड वाटर रेसिस्टेंस लाइक आप बोल सकते हो, स्मज प्रूफ भी नहीं है ये। 49 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें 161 रुपीज़ में ग्लैम 21 का आईलाइनर आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आईलाइनर की बात किया तो यहाँ पे शुगर पॉप का आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ये दो शेड में आपको मिलता है, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर, 197 रुपीज़ में ये आपको मिल जाता है। ये वाटरप्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंस एंड लॉन्ग वियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक के आईलाइनर की, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मीन्स ये जेट ब्लैक कलर आपको देता है और इसकी प्राइस भी लो बजट में आपको मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आपको देता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें दूसरे इनसाइड ड्रामेटिक आईलाइनर की, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये बिल्कुल वाटर रेसिस्टेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, प्लस इंटेंस ब्लैक और क्रैक प्रूफ भी है, और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो चले जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं मस्कारा की। इनसाइड कॉस्मेटिक मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि 122 रुपीज़ में। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, अफोर्डेबल प्राइस में है, प्लस ये वाटर प्रूफ है, और ये जो परफेक्ट कर्ल यानी कि अल्ट्रा कर्ल है, ये आपको बहुत ज़्यादा कर्ली शेप आपकी आईलैशेस को देगा। ये वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, प्लस ये स्वेट प्रूफ भी है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। लैशेस की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें कर्लर भी चाहिए, तो कर्लर ये आपको लोकल मार्केट से 30 से 50 रुपए के मिल जाएंगे, तो इसको ऑनलाइन या महंगा परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब बात आती है फेक लैशेस की, तो ये लैशेस भी मैंने नायका से ही ऑर्डर किए थे, 85 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया था। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इसको मैंने एक बार ही यूज़ भी किया था, ये देखें जी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्यूट लग रहा है। चले जी, इसके बाद आता है आई लैशेज ग्लू, यानी कि लैशेज जब लिया है तो ग्लू भी लेना ज़रूरी है, विदाउट ग्लू आप इसे पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्रो आई लैशेज ग्लू मैंने लिया है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये 185 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें आपको दो शेड्स मिलेंगे, एक आपका वाइट कलर में होगा और एक आपका ब्लैक कलर में होगा, तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर ट्रांसलूसेंट चूज़ किया था, आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है गाइस आपके मेकअप को सेट करने के लिए, तो मेकअप को सेट करने के लिए हमें एक फिक्सर चाहिए, अच्छा सा सेटिंग स्प्रे, तो यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप फिक्सर लिया है, इसकी प्राइस 175 रुपीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे लिप लाइनर, बिकॉज विदाउट लिप लाइनर आपके लिपस्टिक आप अप्लाई करो तो परफेक्ट शेप में नहीं आती, तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है, बहुत सारे शेड वहाँ पे अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे न्यूड शेड चूज़ किया, एक आपका ब्राउन न्यूड कलर है और एक आपका मोव कलर है, तो ये देखें इतना प्यारा सा है, आपको 69 रुपीज़ या 59 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं लिपस्टिक, लिपस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, इसके बिना तो पूरे के पूरे फेस ही अधूरा रह जाता है, चाहे आप कितना ही मेकअप कर लो। तो यहाँ पर स्विस ब्यूटी ब्रांड का मैंने लिपस्टिक लिया है, 183 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, और ये प्योर मैट लिपस्टिक है, बहुत सारे शेड अवेलेबल है वहाँ पर, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। अनदर साइड अगर हम बात करें और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, तो यहाँ पे रेनी ब्रांड की लिपस्टिक आपको 179 रुपीज़ में मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली एप्लीकेशन है। शेड का बात करें तो इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट एक एप्लीकेबल फॉर्म आपको मिलेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से शेड्स अवेलेबल है, आप कोई सा भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, की प्राइस 179 रुपीज़ है। इसके बाद अगर दूसरे लिपस्टिक की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिस क्लेयर की जो लिपस्टिक है ये भी 146 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, ये मैट लिप क्रीम बेस्ड पे है और स्मूथ है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली आप इसको वेयर कर सकते हो, और शेड्स इसमें बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको देखने में मिल जाएंगे, जो भी शेड्स आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और इसको ऑर्डर प्लेस कर लो। इसके बाद हमारा आता है ब्लशर, ब्लशर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप ऑल्सो, जो कि ग्लो देता है आपके फेस पे, आपके चेक पे, तो यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का मैंने ब्लशर
कर लिया है। ये भी बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं। लाइट वेटेड है और इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ये वाटर रेसिस्टेंस है, बहुत ही माइल्डली आप ये फेस पे एप्लीकेबल हो जाता है। ब्लशर अप्लाई करने के बाद हमारी बारी आती है हाईलाइटर की। हाँ, हाईलाइटर अगर ना अप्लाई किया आपने अपने चिक बोन्स पे और आई बोन्स पे तो फिर क्या ही मेकअप किया, क्या ही आपके मेकअप में जान आएगी। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड ब्रांड ले लिया है हाईलाइटर, जो कि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और इसमें बहुत ज्यादा कलर्स की वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। बट यस, अगर आप सिल्वर लो या थोड़ा सा कूल कलर पे चूज करो तो आपका मेकअप में आहा क्या बात है जानी आने वाली है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का पावर ब्लैक वाटर प्रूफ काजल। यस ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उनका मेकअप बिना काजल के अधूरा सा लगता है, तो ये काजल उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है बिकॉज ये 24 आवर्स स्टे करता है, वाटर प्रूफ है, हाईली पिगमेंटेड है, तो आप इसके लिए जा सकते हो फॉर ऑल डे लॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप रिमूवर। तो मेकअप रिमूवर लिक्विड यानी कि बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे मैंने उसका यूज ना करके मैंने यहाँ पे वाइप्स का यूज किया है बिकॉज लैक्टो कैलामाइन का जो वाइप्स है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में 169 रुपीज में आपको 3 सेट्स मिल रहे हैं और एक पैक में आपको 30 वाइप्स मिलेंगे, तो है ना ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा और बिल्कुल ही आपके अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, 3 पैकेट्स मिलेंगे। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। और लेडीज, यहां पे एक चीज हमारी स्किप हो रही है, वो है हमारा सबसे मैजिकल थिंग। गेस करो आप क्या है, और अगर गेस किया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या गेस किया था। तो लेट मी टेल यू गाइस कि वो है आपका मेकअप ब्रश सेट। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 195 रुपीज़ में। मींस आज के इस वीडियो में जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे अंडर 200 रुपीज़ में थे, और ये ब्रशेस के सेट भी आपको 195 रुपीज़ में मिल जाएंगे बेस्ट क्वालिटी के साथ। अगर आपको भी ये ब्रशेस चाहिए होंगे तो इस ब्रशेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स यहां पे ऐड किए हैं वो नेसेसरी हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके मेकअप वैनिटी में होने चाहिए। मैंने कोई भी अननेसेसरी या अनवांटेड प्रोडक्ट्स इस वीडियो में नहीं दिखाया और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में दिखाया। तो गाइज, अगर आपको इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल रही आपके लिए या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर अपडेट करिएगा। तो ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।